आपको एक वोट से भी जीतना है, किसी तरह जीतना है, तो आपके साथ दलित भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। हमें ना तो सुग्रीव चाहिए, ना हनुमान चाहिए, ना हमें विभीषण चाहिए। 2024 बहुत क्रूशल है, बार बार कह रहा हूं मैं, और श्री बहन जी बचा सकती है हमें उत्तर प्रदेश में। अब वहां पर उनको देखना चाहिए। अब जैसे हमारी नई लीडरशिप आई है, जो वहां पर बीएसपी की नए जो नौजवान आए आकाश आनंद वगैरह के रूप में, तो उनकी जिम्मेदारी है पूरे राज्यों को एक्टिव करें। बीएसपी एक वेल नोन पार्टी है और पूरे देश में उसकी एक नाम है, पहचान है, हाथी का निशान। अगर ये चाहें, जो नई लीडरशिप आई है, देखो बहन जी तो बहुत वरिष्ठ हो गई हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में ही हमें बचा लें, संविधान बचा लें 2024 में, वो बड़ी बात है कि मैदान में कूद करके 40-50 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में ले जाएं, बीएसपी को मिल जाएं, तो इन मनुवादियों का जो साजिश है आने वाली जो संसद में, नई संसद में नई संविधान की शपथ लेना, सब पुराने को बदलना, तो उस सपने को हम तोड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर बहन जी वहाँ पर एक्टिव वहाँ पर हैं, वो कर रही हैं, काम शुरू भी हो गई हैं, मगर दूसरे राज्यों में वहाँ की लीडरशिप को अपने बल पे समझना पड़ेगा। ज़रूरी आपको डंडा आएगा, ज़रूरी आपको रोज़ फ़ोन आए, ज़रूरी आपको ऊपर की लीडरशिप धमकाए, आपका अपना मिशन नहीं है क्या? आप क्यों पोस्ट होल्ड करके बैठे हो? छोड़ दो, मना कर दो बहन जी को कि हमारे बस का नहीं है। नहीं मिले तो थे, जैसे जैसे मतलब 200 से ऊपर तो लड़े ही हैं, कैंडिडेट तो मिले, सब तैयार हैं, मगर लीडरशिप निष्क्रिय है, वो अपनी प्रेजेंस नहीं बताती है। अब जैसे बहुजन दुनिया भर के चैनल है, छोड़ो मेन स्ट्रीम चैनल को, वो कम से कम महीने में एक आध बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बीएसपी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और अब बीच बीच में अपना कोई जनसंपर्क कार्यक्रम रख सकते हैं, मेंबरशिप अभियान कर सकते हैं। और जैसे ये स्टेट के जो वहाँ की जो मनुवादी पार्टियाँ सरकारें हैं, वो जब SC ST के अधिकारों पे कुटाराघात करती हैं, जब रिजर्वेशन के खिलाफ कोई लॉ आता है, जब वहाँ बजट को जनरलाइज कर दिया जाता है, तो तब उसको मुद्दे को वो गर्म कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। नहीं, देखो 200-250 वोट मिले हैं, 200-250 वोट क्या बट रहे हैं, लेकिन वो उनको उनकी हैसियत बता रहे हैं कि भाई तुम जितने मर्जी कर लो, अगर कोई इस्टेब्लिश पार्टी है या इस्टेब्लिश लीडर है, इस्टेब्लिश पार्टी बीएसपी है दलितों की, और इस्टेब्लिश नेता पूरे देश में सर्वमान्य, जो जिसको सब मानते हैं, चाहे जनरलों को ही हो, वो बहन मायावती जी हैं। अब आप उनसे आगे निकलने के लिए आपको उनसे बड़ा काम करना पड़ेगा। वो अभी वहाँ सड़कों पे घूम रहा है, नहीं नहीं देखिए, वो जो राहुल गांधी है, उसने हथियार डाल दिए, वो घूम रहा सड़कों पर, तो इसी वजह से वो जो हिमाचल जीता है, हिमाचल राहुल गांधी की वजह से नहीं जीता है, सुन लो आप, कांग्रेस की वजह से नहीं जीता है, वहाँ के लोगों की वहाँ पिछली परंपरा है कि 5 साल एक पार्टी को रखते हैं, 5 साल दूसरी पार्टी को रखते हैं। अगर वहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अगर विकल्प देने में कामयाब हो जाती, तो हो सकता था कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आ जाती, क्योंकि वहाँ के लोग 5 साल एक पार्टी को रखते हैं। जैसे केरला में 5 साल एक लेफ्ट होती है और 5 साल कांग्रेस होती है वहाँ के लोग, और इसी तरह हिमाचल की बहुत पुरानी परंपरा है कि 5 साल ही रखते हैं किसी पार्टी को, उससे ज्यादा वहाँ के वोटर वहाँ मौका नहीं देते। कुछ लोग वो कांग्रेस को वहाँ तो देखो कांग्रेस को दिया है उन्होंने, और कुछ बीजेपी को भी गया है। आप क्या सोच रहे हो बीजेपी को वोट नहीं मिला है? नेक टू नेक फाइट हुई है, 2,000, 5,000, 3,000 वोटों से हारे हैं, तो उनको भी तो लाखों वोट मिला, तो उसमें भी दलितों ने वोट किया होगा। दलित देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको, आप सारे लोग आपके साथ होंगे, ऐसा नहीं होता। आपको एक वोट से भी जीतना है, किसी तरह जीतना है, तो आपके साथ दलित भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। तो आपको अपनी एज ए पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस और लोगों के बीच में आपको डे टू डे फंक्शन करने होंगे, उनके सवालों को उठाना पड़ेगा, उनकी तकलीफों को, बेरोजगारी का, महंगाई के मुद्दे, SC ST के मुद्दे, जनरल के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, स्टूडेंट्स के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, या आपको गरमाने लगातार लोगों में रहना पड़ेगा राजनीतिक पार्टी की आपने पोस्ट होल्ड किया तो। इससे जो बहन जी हैं, बहन जी पर ये भी आरोप लगता है कि वो बीजेपी का वोट बैंक बनाती हैं। नहीं नहीं, ये तो देखो बेबुनियाद है, कोई कैसे बना देगा बीजेपी का वोट बैंक? जब यूपी का चुनाव हुआ था, आधे वोट उन्होंने भाजपा को दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल आरोप लग रहा है, मनुवादियों ने लगाया और हम उन आरोपों में फंस गए। और देखिए, अगर उन्होंने कहा होता तो 1.5 करोड़ वोट थोड़ी मिलता। आपको पता कितना वोट मिला है इस चुनाव में जो अभी गया है, यूपी का चुनाव, भले ही एक सीट ना आई हो, नहीं वो लेकिन हमारा नहीं गया वो वोट गए जो हमसे, जो बीएसपी से, बहन जी से, जो लोग वहाँ तो या तो उसका शिकार हो गए गलतफहमी का, जो उन्होंने प्रचार किया कुप्रचार मनुवादियों ने, एंड टाइम पे एक वीडियो दिखा दिया स्टिंग ऑपरेशन कि भाई 200 करोड़ में बहन जी 50 सीटों का सौदा कर रही हैं, उस पर हमारे कुछ लोग वहाँ पर चले गए, मनुवादियों के जाल में फंस गए, और कुछ लोग जो बागी हैं जो अपने आप को बाबा साहब और माननीय काशीराम जी से बड़ा नेता समझने लग गए आजकल, है नहीं,
उन लोगों ने भी अपना नुकसान करवाया इस बात का। और अच्छा हुआ कि गंदगी छट गई, क्योंकि 2024 में हमें विभीषण नहीं चाहिए, हमें कुंभकर्ण और मेघनाथ चाहिए। हमें ना तो सुग्रीव चाहिए, ना हनुमान चाहिए, ना हमें विभीषण चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे पक्ष के हों। अब बिल्कुल लाइन खिंच जानी चाहिए, जो उनके तरफ हैं आर्यंस की तरफ उधर चले जाएं, और जो बाबा साहब और कांसीराम जी की तरफ हैं वो इधर को आ जाएं। बिल्कुल लाइन खींचनी चाहिए। अपना पराय कोई नहीं होता, विचारधारा की लड़ाई होती है। जो विचारधारा की लड़ाई में खड़े हो जाओ भाई, चाहे कोई भी हो, अपना खून क्यों ना हो, आप वहाँ खड़े हो जाओ, और जो हमारे साथ हैं इधर आ जाओ। 2024 बहुत क्रूशल है, बार बार कह रहा हूँ मैं, और सिर्फ बहन जी बचा सकती है हमें। उत्तर प्रदेश में एक तरफ लग के कि बहन जी मुझे जानती है नहीं जानती है, मैं तो ना तो BSP का ना तो मैं कार्यकर्ता हूँ, ना मैं उसका कोई पदाधिकारी हूँ, ना बहन जी ने कभी मेरी शकल देखी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल होशोवास में कह रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी होते हुए, अनुसूचित जनजाति जाति का आदमी होते हुए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर संविधान बदलता है तो मेरा होगा। मेरे लोग सबसे ज़्यादा गुलामी की उसमें जाएंगे। तो इस देखते हुए मैं सबको अपील कर रहा हूँ, मीडिया को भी अपील कर रहा हूँ, जो बहुजन मीडिया है, कि इसको चलाए बिल्कुल सीरीज बना करके, कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सब वहाँ जाके लग जाओ और हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो SC ST के, कि भैया आप कम से कम 80 में से 40 से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दो। बहन जी के चेहरे पे मत दो, लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे मत दो, मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब के मिशन और संघर्ष को वोट दे करके इस संविधान को बचा लो। ये मेरी अपील।